हम पढ़ रहे हैं इको सिस्टम। पहले इकोलॉजी को पढ़ा था। इकोलॉजी अलग है और इको सिस्टम थोड़ा सा उससे अलग है। अब इको सिस्टम की अगर हम बात करें, देखिएगा सिस्टम क्या होता है। सिस्टम की अगर कोई परिभाषा दे तो हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि ये एक ऐसा तंत्र, ऐसा एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उसके जितने भी जो कंपोनेंट होंगे वह आपस में जुड़ते जुड़े हुए रहते हैं। यानी एक ऐसा ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत सारी की सारी, यानी एक कोई विधि है या कोई उपाय है, उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि सभी उसके कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं। उसमें से एक को भी अगर हम अलग करने की कोशिश करें तो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। जैसे कि अगर हम कहें कि एक साइकिल है, तो एक साइकिल के अंतर्गत उसका एक सिस्टम है। सिस्टम किस प्रकार से है कि उस साइकिल के अंदर चैन, एक साइकिल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो चेन, ब्रेक, जो व्हील्स है, पैडल है, ये एक कंपोनेंट, एक इसमें से किसी एक को निकाल दें तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ये जो कंपोनेंट्स है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक साइकिल को बनाते हैं। तो ये एक सिस्टम हो गया। तो एक सिस्टम में, जैसे कि यहाँ पर हम लिखें कि हम कहें कि इको सिस्टम क्या है, तो इको सिस्टम में कुछ ब्रेक्स होंगे, कुछ चेन होंगे, कुछ व्हील्स होंगे, कुछ पैडल्स होंगे, और वे मिलकर एक सिस्टम को तैयार, एक साइकिल को तैयार करेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम के अंतर्गत कुछ जो पदार्थ होंगे वह अबायोटिक होंगे, अजैविक होंगे, कुछ होंगे जैविक और कुछ होंगे अपघटक। अपघटक जो है, हालांकि जैविक में ही शामिल किया जाता है, जैविक का अर्थ होता है कि अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत पेड़, विभिन्न प्रकार के जीव, सॉरी ये रहेंगे इसके अंतर्गत। मैं रिपीट करता हूँ, अजैविक के अंतर्गत हम बात करें तो अजैविक के अंतर्गत मृदा, जल, वायु को हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। किसके अंतर्गत, अजैविक के अंतर्गत। अगर हम जैविक की बात करें तो जैविक के अंतर्गत हम किस किस को शामिल करेंगे, पेड़ पौधों को, विभिन्न जीवों को, और स्वयं जो मानव है वह भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो हमने कहा कुछ अजैविक, कुछ जैविक और कुछ अपघटक मिलकर एक सिस्टम तैयार करता है जिसे हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। अब इस सिस्टम के अंदर में से किसी एक चीज को अगर हम गायब कर दें, डीकम्पोजर का अर्थ होता है, अपघटक का अर्थ होता है डी कंपोजर। अब डी कंपोजर क्या करते हैं, अपघटित करते हैं। आगे आने वाली क्लास में धीरे धीरे सीखेंगे। कुछ होते हैं बायोटिक, कुछ होते हैं बायोटिक। ये कई शब्द जो है बार बार हमें देखना है और इन शब्दों को समझना है, क्योंकि हम में से ज्यादातर ऐसे हैं जिनका साइंस विषय नहीं रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन धीरे धीरे हम इन चीजों को क्लियर करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम की सबसे पहले हम परिभाषाएं देखेंगे कि उसका अर्थ और परिभाषा किस प्रकार से दी गई है। सबसे बात पहले बात करते हैं कि पृथ्वी के परिमंडल, परिमंडल जिसके अंतर्गत आपका लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है और एटमोस्फेयर, जो बाइलिंगुअल बोल रहा हूं ताकि जो इंग्लिश मीडियम है उनको भी समझ में रहे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर के अंदर रहने वाले, क्योंकि कुछ जीव है, जैसे कि अगर मैं बात करूं चूहा कहाँ रहेगा, स्थल मंडल पर रहेगा। अगर हम मेंढक की बात करें तो मेंढक उभयचरी होता है, लेकिन दोनों में मेंढक है या मछली जो है वो हमें
जल मंडल में देखने को मिलेंगे, वायुमंडल में भी आपको कोई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होंगे वहां हमें यहाँ पर वायुमंडल के अंतर्गत देखने को मिले। तो इसके सभी जीव जंतु और इसके पादप एक निश्चित व्यवस्था यानी एक मैनेज रूप से, एक सिस्टमेटिक रूप से परिचालित होता है, यानी फ्लो करता है, यानी वह वर्क करता है। सिस्टम का अर्थ होता है कि हम इसको इस प्रकार से समझे कि किसी भी, चाहे हम स्थलमंडल को लें, चाहे हम जलमंडल को लें, चाहे हम वायुमंडल को लें, इन सभी मंडल के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जीव जंतु है उनका एक सिस्टम है। सिस्टम का अर्थ होता है कि वे जीव जन्म लेते हैं, विकास करते हैं और मर जाते हैं। इसी प्रकार से एक पादप जन्म लेता है, विकास करता है और नष्ट हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है वह लगातार चलता रहता है। किसी भी समुदाय, समुदाय का अर्थ होता है चाहे हम जीव जंतुओं का ले, चाहे पेड़ पौधों का ले, मैं अनेक प्रजातियां यानी स्पीसीज के जो प्राणी है वह साथ साथ रहते हुए, साथ साथ रहते हुए परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विभिन्न समुदाय यानी समुदाय को हम यहाँ पर ले लें कि स्थल मंडल में हो चाहे जल मंडल में हो, वे जो प्रजाति है वह साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं कि इसके अंदर टेरेस्ट्रियल यूनिटी देखने को मिलती है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि इसके अंदर पार्थिव एकता देखने को मिलती है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं और साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट को भी कुछ न कुछ रूप में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। फिर हम बढ़ते हैं इस संपूर्ण व्यवस्था को, यानी ये जो व्यवस्था है इस संपूर्ण व्यवस्था को हम पारिस्थितिकी तंत्र या इसे इको सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यहां तक हमने क्या समझा, साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि चाहे जलमंडल हो, चाहे स्थल मंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, उसके अंतर्गत जितने भी जो जीव पाए जाते हैं वह एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। तो ये जो व्यवस्था है उनका जो क्रम है वो लगातार चलता रहता है, इस व्यवस्था को हम एक सिस्टम कहते हैं। सिस्टम को हम इस प्रकार से कहें कि हमारे परिवार में, जैसे कि हम कहें कि पिता, माता और बच्चे, ठीक है, मैंने दादा दादी को यहाँ पर शामिल नहीं किया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो परिवार का हिस्सा नहीं है। पिता का क्या कार्य होता है, वह जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न कार्य करता है, जैसे कि वह मजदूरी करता है या वह व्यवसाय करता है और व्यवसाय से उसे क्या मिलता है, अर्थ मिलता है, वह रुपए लेकर आता है, पेमेंट लेकर आता है, उससे वह कई प्रकार की घरेलू आवश्यकता वाली वस्तुओं लाती है, उस वस्तुओं का उपयोग करते हुए जो माता होती है वह घर को, घर के अंतर्गत जैसे कि मैंने साधारण शब्दों में कहे कि वो खाना बनाते हैं और बच्चे उसके अंतर्गत एक हेल्पर के रूप में वर्क करते हैं। तो एक पूरा का पूरा परिवार कब कहा जाता है, परिवार की अगर परिभाषा दे तो इसमें एक पिता हो, माता हो और संतान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पूर्ण परिवार। तो पूर्ण परिवार के अंतर्गत माता, पिता और बच्चे मिलकर एक सिस्टम तैयार करते हैं और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। अब सिस्टम का अर्थ होता है कि इसमें से ये उस परिवार रूपी जो मशीन है उसके पुर्जे हैं, परिवार रूपी जो मशीन है उसके पुर्जे हैं, जिसमें अगर कहें कि एक साइकिल है तो साइकिल का आगे का पहिया अगर पिता है तो पीछे का पहिया माता है और बच्चे जो उसके हैंडल को संभाल कर या फिर कह सकते हैं कि उसमें सवार होकर वो चलते हैं। तो इसमें से एक भी पहिया अगर गायब कर दे या एक भी अंग कंपोनेंट को हटा दे तो वो साइकिल परिपूर्ण नहीं है, अपने आप में पूर्ण नहीं है,
वैसे ही एक पर्यावरण में, एक इकोसिस्टम है, चाहे वो इकोसिस्टम स्थलमंडल का हो, चाहे जलमंडल का हो, चाहे वायुमंडल का हो, उसमें कुछ जीव रहते हैं। उनमें से कईयों को अगर अलग कर दिया जाए तो हमारा जो सिस्टम है वो बदल जाता है। जैसे कि अगर हम गांव के संदर्भ में उदाहरण दें कि एक गांव में एक वर्ग किसान का होता है, एक वर्ग ब्राह्मणों का होता है, अमूमन एक वर्ग जो होता है वह दमामियों का होता है, एक वर्ग जो होते हैं वो हरिजन समुदाय से होता है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, अन्यथा ना ले। तो इन चारों में से हम कहें तो किसान क्या करता है कि गांव में जो अन्न संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए वो प्रयास करता है, वो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता है। किसी प्रकार का फसल काटने के बाद त्योहार मनाने के लिए एक दमामी की उपयोगिता रहती है। आपके गांव में सफाई की व्यवस्था अच्छी बनी रहे वहां पर एक हरिजन की व्यवस्था रहती है। तो ये एक और विभिन्न प्रकार के सामाजिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्यों के अंतर्गत आपको एक ब्राह्मण परिवार की आवश्यकता रहती है। तो ये सब चारों परिवार जब एक गांव के अंदर रहते हैं तो वो सिस्टम बनता है। और इनमें से एक को भी आप हटा दीजिए, हरिजन को हटा दिया, आपके गांव में जगह जगह पर कचरा देखने को मिलेगा। ब्राह्मण को हटा दिया, आपके गांव में कभी आपको धार्मिक कार्यक्रम नहीं देखने को मिलेंगे। आपने किसान को हटा दिया तो आपको आपकी दूध हो चाहे अन्न अनाज हो, आपको किसी दूसरों पर व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो ये एक सिस्टम की पार्ट है। उसी प्रकार से पर्यावरण में भी इसी प्रकार का सिस्टम लगातार चलता रहता है। तो काफी उदाहरण मैंने बता दिए हैं। तो हम वापिस इसको कहते हैं कि जो जीव इस मंडल में, चाहे स्थल मंडल में रहते हो, चाहे जल मंडल में हो, चाहे वायुमंडल में हो, तो ये एक सिस्टमेटिक रूप से चलते हैं। और इन सिस्टमेटिक रूप से चलते हुए वे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा साथ ही साथ अपने पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस संपूर्ण व्यवस्था को हम इकोसिस्टम कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। जीव मंडल एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसके अंतर्गत हम कहें कि एक जीव मंडल, तो जीव के अंतर्गत हम कहें तो यहाँ पर हाथी जैसे बड़े जानवर भी हैं, और यहाँ पर मच्छर या उससे भी सूक्ष्म जैसे जीव भी है, और बीच में जो मनुष्य है वह भी उसका पार्ट है। ये तो हुए जैविक। और इसके साथ अजैविक रूप में अगर देखें तो यहाँ पर नदियों के रूप में पानी है, यहाँ पर मृदा है, यहाँ पर वायु है, ये अजैविक हो। तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन चलता है। हाथी को भी पानी की आवश्यकता है, हाथी को वनस्पति की आवश्यकता है, वनस्पति जो है मृदा के अभाव में नहीं होगी। मनुष्य को पानी की आवश्यकता है, मनुष्य को मृदा की आवश्यकता है। जो मच्छर है उस मच्छर को भी नदी के पानी की आवश्यकता है और वायु की आवश्यकता है। मृदा के माध्यम से उसको कह सकते हैं कि भोजन की प्राप्ति हो सकती है। तो ये एक सिस्टम देखने को मिलता है और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारे इकोसिस्टम को तैयार करता है। अब कुछ परिभाषाएं और नाम किस प्रकार से निकला है। तो प्रकृति में संपूर्ण जीव जंतुओं तथा पादपों के वर्गीकरण, पादपों के पर्यावरण के साथ क्रियात्मक अंतर संबंधों, जीव जंतुओं का, पादपों का अपने पर्यावरण के साथ क्या संबंध है। क्रियात्मक का संबंध होता है ये अंतर संबंध, यानी दोनों एक्टिव होके एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस संबंध में सबसे पहला जो अध्ययन किया गया था तो एक पारिस्थितिकीविद जिसे एजी टांसले कहा जाता है, उस टांसले ने 1935 में इस पारिस्थितिकी इस पूरी व्यवस्था को इकोसिस्टम का नाम दिया। एजी टांसले व्यक्ति जो है उन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का नाम दिया। इसी प्रकार से हमने पारिस्थितिकी शब्द यानी इकोलॉजी वर्ड का यूज किया था, और इकोलॉजी वर्ड का जो सर्व
प्रथम जो प्रयोग है वह किसने किया था, कोई हो तो आप में से बताए, किसने इस वर्ड का सर्वप्रथम है? तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वह हिंदी में लिखता हूं मैं, अर्नेस्ट हकल द्वारा इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, जिसके अंदर आइकोलॉजी या रहने का जो स्थान है उस संदर्भ में इसको व्यक्त किया गया। इकोसिस्टम शब्द जो है का जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस ने द्वारा 1935 में किया गया। तो इस प्रकार से अगर कहें तो अर्नेस्ट जो हकल है वो लगभग 1870 का जो टाइम ड्यूरेशन रहा था उसके अंतर्गत रहे थे। तो दोनों ही जो शब्द है अर्नेस्ट हकल ने अलग अलग रूप में किया गया। अर्नेस्ट हकल, बिल्कुल सही कहा आपने, अर्नेस्ट हकल जो है उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था परिस्थिति का और पारिस्थितिकी तंत्र का। एजी टांसले ने सर्वप्रथम प्रयोग किया और इस एजी टांसले ने इस पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा, द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिएगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो लिविंग है उन लिविंग को हम कहते हैं जैविक और नॉन लिविंग को कहते हैं जैविक। के अंतर्गत मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी पेड़ हैं या खुद मानव है या फिर जितने भी जो जीव जंतु है वह हम जैविक में शामिल करेंगे। अजैविक के अंतर्गत हम शामिल करेंगे मिट्टी को, जल को, वायु इत्यादि को हम अजैविक के अंदर शामिल करेंगे। तो द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम, जो रिजल्ट है किसका, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अर्थ होता है अंतः अंतःक्रिया, अंतःक्रिया यानी आपस में जो इनके बीच में अंतःक्रिया होता है, किनके बीच में, जैविक तथा अजैविक। हिंदी में क्या कहेंगे, जैविक तथा अजैविक पदार्थों या संगठनों के मध्य अंतःक्रिया से उत्पन्न सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है, वह सिस्टम है जिसमें वातावरण के जैविक और अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं या अंतःक्रिया करते हैं, तो उसे हम एक इकोसिस्टम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ। तो दो वर्ड है इको और दूसरा वर्ड है सिस्टम। इको का अर्थ क्या होता है, इको शब्द की उत्पत्ति आइकोस से हुई है और आइकोस का जो अर्थ होता है वो घर। हम इकोलॉजी के अंतर्गत भी इस शब्द को पढ़ चुके हैं, ड्वेलिंग पैलेस भी कर सकते हैं या इसे हम हैबिटेट के नाम से भी जानते हैं। यह घर है, घर का अर्थ होता है कि ये हमारा पर्यावरण है जिसके अंतर्गत हम रहते हैं। और दूसरा जो शब्द है सिस्टम का अर्थ होता है व्यवस्था या अंतः निर्भरता से उत्पन्न एक व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक या एक से अधिक जो कंपोनेंट्स है वह एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उसे हम एक सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत या पर्यावरण में पाई जाने वाली एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत जैविक तथा अजैविक कंपोनेंट्स जो है एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं
या एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, फिर परिभाषा है एफ आर फोसबर्ग। मैंने कहा कि एक किताब जो आती है पर्यावरण भूगोल के नाम से, लेखक है सविंदर सिंह जी, रेफरेंस बुक है, भविष्य में भी काम आएगी। इसी किताब में से हर एक लाइन जो वहां पर लिख रखी है उसको मैं यहां पर अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बढ़ते हैं इसी कड़ी में, फॉसबर्ग क्या कहता है। फॉसबर्ग कहते हैं कि जो इकोसिस्टम है वह क्रियाशील या कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील यानी इंटरैक्टिव सिस्टम होता है जिसका संगठन यानी उसका जो निर्माण है वह एक या अधिक जीवों एवं उनके प्रभावी पर्यावरण से होता है। यानी इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम हमेशा एक्टिव रहता है तथा इसके अंतर्गत पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक जो फैक्टर्स है, जो कंपोनेंट्स है, उसको हम शामिल करते हैं। ईपी ऑडम की जो परिभाषा है, इकोसिस्टम ऐसे जीवों और उनके पर्यावरण की आधारभूत क्रियात्मक इकाई। देखिए फंक्शनल यूनिट, यहां पर भी आप देखेंगे क्रियाशील है, यहां पर भी आपने कहा है कि वो कार्यात्मक है, फंक्शनल यूनिट है जो दूसरे इकोसिस्टम से तथा अपने जो कंपोनेंट्स है उसके मध्य अंतः क्रिया करते रहते हैं। यानी यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक इकोसिस्टम या दो से अधिक इकोसिस्टम के अंदर रहने वाले जीवों के बीच में अंतः क्रिया का परिणाम होता। ईपी ऑडम के बाद आते हैं पीटर हैगेट या पी हैगेट 1975। इकोसिस्टम एक पारिस्थितिकी व्यवस्था है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने पर्यावरण से पोषण श्रृंखला द्वारा संयोजित होते हैं। यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत विभिन्न जीव और विभिन्न जो पादप है अपने पर्यावरण से इंटरेक्ट होते हैं, पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करते हैं, आप उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार का एक सिस्टम जो होता है उसे हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। एक और परिभाषा एन स्टेलर एन एच स्टेलर 1976। इकोसिस्टम ऐसे कंपोनेंट्स का एक ग्रुप है जो जीवों के समूह के साथ परस्पर क्रियाशील, देखिएगा परस्पर क्रियाशील रहता है तथा इस क्रियाशीलता में जो पदार्थ है या ऊर्जा का इनपुट होता है, निवेश का अर्थ होता है इनपुट होता है, तथा जो जैविक संरचना का निर्माण करता है। ये कई परिभाषाएं जो आपके सामने नजर आ रही हैं, इन सभी परिभाषाओं का एक जो अर्थ निकलेगा जिसको मैं बताऊंगा आपको कि सीसी पार्क क्या कहता है कि इकोसिस्टम एक निश्चित क्षेत्र, निश्चित क्षेत्र का अर्थ होता है कि वह तालाब भी हो सकता है, वह समुद्र भी हो सकता है, तो या कोई पेड़ हो सकता है या फिर कोई छोटा सा पौधा हो सकता है। तो एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले समस्त प्राकृतिक जीव, जैसे कि तालाब में क्या रहेगा, मेंढक मिलेगा आपको, कछुआ मिलेगा, इसी प्रकार से समुद्र के अंतर्गत आपको अलग प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे, पेड़ जो है या पौधे हैं वहां पर अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे। तो समस्त प्राकृतिक जीवों का सकल योग होता है, यानी सारे के सारे जो जीव होते हैं उसमें शामिल किए जाते हैं, और इसे भौतिक भूगोल में एक दृष्टिगत आधारभूत उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। तो ये जो सारी सारी परिभाषाएं हैं और इन परिभाषाओं के आधार पर क्या निकल कर आता है कि जो इकोसिस्टम है वह एक विशेष प्रकार की पर्यावरणीय व्यवस्था है, क्रियात्मक पर्यावरणीय व्यवस्था, यानी पर्यावरण में हमेशा एक्टिव रहने वाली एक व्यवस्था है जिसमें किसी निश्चित स्थान, निश्चित स्थान कोई भी हो सकता है, जैसे कि पेड़ हो सकता है, तालाब हो सकता है, झील हो सकता है,
एवं समय वाले पारिस्थितिक घटकों, यानी पारिस्थितिक घटकों का अर्थ होता है कि वह जैविक या अजैविक है, या उसके क्षेत्र के संदर्भ में सभी जो जीवधारियों या बायोमास एवं भौतिक पर्यावरण का सकल संतुलन रहता है, एक विभिन्न प्रकार की ऊर्जा से संचालित होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होती है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा को हम यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो सन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उस सन से जो एनर्जी प्राप्त होती है उससे जो प्लांट्स है वह अपना भोजन बनाते हैं, और इस विधि को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं। इस प्लांट पर कोई छोटा सा जो जीव है वह इस पर निर्भर रहता है, यानी वह कोई भी जीव हो सकता है, वह इस प्लांट पर डिपेंड रहता है। इस प्लांट को हम प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। इस प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर, यानी ये लगभग आप कहेंगे कि ये शाकाहारी के रूप में गिना जाता है। फिर उसके बाद आता है जो द्वितीयक उपभोक्ता, जिसे कहा जाता है मांसाहारी, और मांसाहारी के बाद जो होते हैं वह अपघटक जो रहते हैं, जिसे डीकम्पोजर्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे जो जीव होते हैं जो किसी पौधे को जलाकर या उसको सड़ा गलाकर वापस पर्यावरण में मुक्त करते हैं। तो इसमें मेन रोल किसका है? सन। अगर सन नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो भोजन नहीं बनता। तो सौर ऊर्जा जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, और ये जो तंत्र है ये पूरा का पूरा सिस्टम कहलाता है, यानी इसे हम कह सकते हैं ये हमारा इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में कुछ जैविक पदार्थ हैं और कुछ अजैविक पदार्थ है। केवल प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जो पौधा होगा वह जल का भी उपभोग करेगा, वह मृदा का भी उपभोग करेगा, वह वायु का भी उपभोग करेगा। जल, मृदा और वायु का उपभोग प्राथमिक उपभोक्ता भी करेंगे, मांसाहारी भी करेंगे और डीकम्पोजर्स भी करेंगे। तो ये जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इकोसिस्टम के अध्ययन में दो प्रमुख पहलू है, जैसे कि हम बात करते हैं जैविक और अजैविक घटकों से बिना एक सिस्टम या एक स्ट्रक्चर संरचना। दूसरा, एक इकोसिस्टम में जो जैविक घटक है, जैविक घटक यानी ये कार्बनिक जिसे कहा जाता है, मैं खाद्य व ऊर्जा संबंधों में समानताएं और विभिन्नता। ये खाद्य ऊर्जा का जो है कॉन्सेप्ट ये आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर चलता है, और यही सब मिलकर हमारे इकोसिस्टम को चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इकोसिस्टम की जो संरचना है या जो कार्य है वह किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से चलती है। स्टार्ट करते हैं। तो एक इकोसिस्टम में दो प्रमुख पहलू और संरचना व कार्य होते हैं। संरचना की बात करें तो संरचना में जैविक समुदाय में पाई जाने वाली जातियों की संख्या, यानी जो जीव समुदाय है उसमें कितनी जातियां पाई जाती हैं, जिसे हम बायोमास कहते हैं, जैव संहति भी कहा जाता है, जीवन काल तथा क्षेत्र को शामिल करता है कि एक जो है जैव भार, इसको हम जैव भार कह सकते हैं। जैव भार, कितनी संख्या में वह जीव रहता है, उसकी लाइफ साइकिल कितना है और किन किन क्षेत्रों में रहते हैं, तो ये सब मिलकर उसकी संरचना को तैयार करते हैं। इसके अलावा वह पोषण कहाँ से प्राप्त करता है और कैसे, जल और तापमान भी इस संरचना का तत्व, आवश्यक तत्व माना है, क्योंकि पोषण यानी जो जीव है उस जीव को पोषण की भी आवश्यकता है, उसको जल की भी आवश्यकता है, और सौर ऊर्जा के रूप में उसको तापक्रम की भी आवश्यकता है। तो ये मिलकर पूरा का पूरा एक सिस्टम को बनाते हैं। अब ये जो सिस्टम बना वो इकोसिस्टम के अंतर्गत कई प्रकार की क्रियाएं चलती हैं, जैसे कि जैव ऊर्जा का प्रवाह। जैव ऊर्जा का प्रवाह का अर्थ होता है कि मृदा के अंतर्गत जो पोषण क्षमता है वह किसमें पहुंची, वह पौधे में पहुंची, कुछ मृदा से पहुंची,
और कुछ जो है वह सूर्य से, सूर्य और मृदा से जो पोषण है खनिज तत्व किसमें पहुंचे, पौधे में पहुंचे, पौधों से यह शाकाहारियों के अंतर्गत पहुंचे, शाकाहारियों के बाद ये मांसाहारियों के बीच में पहुंचे, और मांसाहारियों के बाद ये जो अपघटक रहते हैं, डीकम्पोजक रहते हैं, वो उनके अंदर ये पोषण पहुंचा। तो ये ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में पहुंचती रहती है। फिर है पोषण चक्र। पोषण चक्र के अंतर्गत हमने कहा कि पोषण चक्र इस प्रकार से चलता है कि अगर पौधे 100% रहते हैं तो केवल 9% जो है या जो 10% है वह शाकाहारियों को मिलता है। अगर शाकाहारियों ने 9% यूज कर लिया तो 10% यानी 10% जो है आगे की जो ग्रुप है उसको मिलता रहता है। ऐसे चार्ल्स एल्टन अपने कॉन्सेप्ट में बताते हैं। तो इस प्रकार से ये लगातार जो कॉन्सेप्ट चलता रहता है। तीसरी जो क्रियाएं होती है वह पर्यावरण द्वारा जीवों तथा जीवों द्वारा पर्यावरण का नियमन। तो ये इस प्रकार से एक पारिस्थितिकी तंत्र का जो सिस्टम है वो लगातार चलता रहता है।